आप उठ जाइए, कल सुबह जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है।
नारे के अल्फाज थे जो आपकी तड़प आपकी बेचैनी इस इंसानियत को दोज़ख से बचाने के लिए थी। आपने फरमाया कि अगर ये काफिला गुजर जाए और अगर उन तक अल्लाह का पैगाम ना पहुंचे और कल कयामत के रोज अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। इस काम के लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि वह मुनासिब कौल मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिह व काल इन्नी मिनल मुस्लिमीन। उस शख्स से बेहतर किसकी बात हो सकती है? मुनासिब कौल मिम्मन दआ इलल्लाह यानी अल्लाह की तरफ दावत दी और कहे कि मैं मुसलमान हूं। मुनासिब कौल मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिह नेक अमल करे और वफाल जमीन में मुस्लिम के मैं बे मुस्लिम। तो गोया के उम्मत मुस्लिमा को जो काम दिया गया है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है और इसकी गवाही खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत है। और हमने कहा हर शख्स को सबसे ज्यादा अल्लाह को अजीज है जो इसकी दावत इंसानों को देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उस्वा उस्वे के वो पहलू जो इबादत से ताल्लुक रखते हैं, आई जिंदगी से जो ताल्लुक रखते हैं, लिबास से ताल्लुक रखते हैं, फराइज और नाफिल से ताल्लुक रखते हैं, आपकी एक एक अदा उन सब की अपनी अहमियत, वो सब हमको अजीज है। लेकिन उसवे का वो पहलू जो हमारे जिंदगी का हिस्सा बना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारे अल्लाह से क्या पैगाम लेकर आया था, नबूवत का जो है आपको जब नबूवत अता की गई तो पहले ईमान लाने वाली वो खातून हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा, फिर उसके बाद वो परेशान रहे जो दूसरी वही आई आपके ऊपर कुन फांदर सूरह मुदस्सिर की वो आया कुन फांदर और रब का फकबिर उठो और अपने रब बरकत की बड़ाई का कुंडियाई का ऐलान, ऐ चादर में लपेट के ओढ़ने वाले उठो। अल्लाह ताला की ये सदा आई दूसरी आयत थी, ये दूसरी वही थी कुम फांदर और रब का फकबिर उठो और अपने रब बुजुर्ग बरकत की बड़ाई का ऐलान। उसके बाद से आपकी जिंदगी ले ली मक्के में, आपने एक एक फर्द को जमा किया, उनको अल्लाह ताला के दीन की दावत दी जो पहले लोगों में ईमान लाने वाले ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। आपकी पाकीज़ा जिंदगी थी नबूवत से पहले भी, लोग आपको सादिक और अमीन कहते थे, अपनी अमानतें लाकर आपके पास रखते थे, अपने झगड़ों के फैसले आपके पास करवाते थे। वो हजरत असद का मौका जब हुआ, जब झगड़ा इस हद तक बढ़ गया था कि लोग तलवारें निकाल लिए थे, कबाइल के जो है जो वहाँ सिस्टम था कि वो चाहते थे कि हर कबीला चाहता था कि जो है वो हजरत असद को जो है काबतुल्लाह में रखे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मसले को जिस अंदाज से हल किया कि जब नबूवत मिली तो आप मक्के में एक एक फर्द को दावत दी, आपके खानदान के कुछ लोग आपके दुश्मन बन गए, आपके खानदान के कुछ लोग आपके सरपरस्त बन गए और ये आपके पड़ोस ने तक आपको तकलीफें देना शुरू की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ एक के बाद एक पर जमा होने आप दारे रहम में आपने एक एक की तरबियत की, उनको जो है दीन सिखाया, फिर उसके बाद मजमा बढ़ता गया, उसके बाद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ईमान लाने का वाक़िया पैदा हुआ, वाक़िया होगा हजरत अमीर हमजा, ये दो वाक़ियात ने ईमान कबूल करने ने मक्के में इस्लाम को एक ताकत दी। पहली मरतबा जो बावाज बुलंद मक्कतुल मुकर्रमा में तकबीर बुलंद की गई वो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ईमान कबूल करने का वाक़िया जिसे कुव्वत दी। फिर उसके बाद दावत, अल्लाह का हुक्म आया कि अब तुम बरसर आम दावत दो, खुले आम दावत दो। अल्लाह के रसूल ने अपने खानदान को बुलाया, फिर वहां आपने जो है दावत दी तो क्या वाकया पेश आया कि आपके करीब तरीन रिश्तेदारों ने आपकी जो है मुखालिफत की, वहीं हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बावजूद है कि बड़े कमजोर थे लेकिन आप खड़े हुए कि मैं इसका जो है इनका साथ दूंगा। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में कैसी कैसी तकलीफें दी गई, ये आपका उस्वा हमारे आंखों से ओझल क्यों हो जाता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियों को इस बुनियाद पर तलाक दे दिया गया कि जो है वो या तो दीन छोड़ दें या जो है इसको छोड़ दें। ये कैसी जहनी अजियत थी
कौन सा ऐसा इल्जाम था जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैं लगा रहा था। एक शख्स ने कहा कि ये खानदानों में तफरका पैदा कर रहा है, कोई शख्स कर रहा है कि नौज़ बिल्लाह आप जो है मजनून हो गए हैं, आप पर कोई साया हो गया है, आपको तरह तरह से ऑफर दी जाती है। कहा जाता है कि अगर आपके ऊपर कोई बीमारी लग रही है, कोई साया लग गया है, तो हम उसका इलाज करवा देंगे। अगर तुम्हें सरदारी चाहती है तो हम तुम्हें मक्के का सरदार बना देंगे। अगर तुम जो है दौलत चाहते तो सारी दौलत तुम्हारी जो है हम पैरों में लाकर उड़े देंगे। अगर तुम किसी खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहते हो तो हम इस इलाके की सबसे खूबसूरत लड़की से तुम्हारी शादी कर देंगे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़बिल्लाह आपके साथ की आजमाइश ही मनाई गई। वो तारीख अल्फाज जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर कहे थे कि ये लोग अगर मेरे एक हाथ में चांद रख दें और अगर एक हाथ में सूरज भी रख दें तो मैं इस दावत से बाज नहीं आ जाऊंगा, इल्ला ये कि या तो ये दीन गालिब होगा या फिर जो है मैं इस्लाम में जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत से जा मिलूंगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा था। तो आपके हद तक तय किया गया कि जो है आपको हिजरत पर मजबूर किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर अल्लाह ताला जो है सलाम भेजते हैं, छुपते पाते हुए गारे सोर में रात गुजारते हुए मदीने की तरफ हिजरत कर रहे हैं। अपनी दावत पर यकीन देखिए कि जब रास्ते में सुराखा मिलता है जो आपके ऊपर इनाम के लालच में पहुंचता है कि जो है सुर्ख जो है हुकम की जो है वहां पर ऐलान होता है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ लाएंगे उन्हें 100 सुर्ख ऊंट दिए जाएंगे। जो उस वक्त का सबसे आला तरीन इनाम था उसकी तलाश में सुराखा पहुंचता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। जब वो मदीने के रास्ते में जब तक पहुंच जाता है तो उसका घोड़ा आकर मुझे इनकार कर देता है। वो वाकया हम बार बार सुनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुराखा में तेरे हाथों में खैसर और कसरा के कंगन देख रहा हूं। कौन खैसर और कसरा? उस वक्त के सुपर पावर। बेबसी के आलम में हिजरत हो रही है, रास्ता तब्दील करके जाया जा रहा है, पता नहीं कि मदीना पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नजर, वो नजर उस वक्त के सुपर पावर की तबाही देख रही थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दीन के गालिब होने पर इस हद तक यकीन था। और जब सुराखा के लिए अल्लाह के रसूल ने ये पेशनगई की तो आप जानते हैं कि जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर था और जब कैसर कसरा फतह हुए, वो शख्स मक्के में कहता था, मदीने में कहते फिरता था कि मेरी मौत नहीं आएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई का उस पर यकीन रखिए कि मैं जब तक कैसर कसरा के कंगन नहीं पहनूंगा मैं जब तक मुझे मौत नहीं। उस वक्त जब फतह हुआ कैसर कसरा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में, तो आप उसको जो है कसरा को कंगन पहनाए। फिर उसके बाद मदीने में हिजरत का मामला हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरहला बदर का एक मरहला पेश आया जहां पर एक छोटी सी कुव्वत दूसरी तरफ जो है लश्कर जरार पूरे जंग से तादाद के एतबार से जंगी एतबार से कोई मुकाबला ही नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला की नुसरत आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ दे कि ऐ अल्लाह जो कुछ कुव्वत मैसर थी मैंने इसे तेरी राह में लाकर डाल दिया, जो कुछ हमारे पास वसायल थे वो सब कुछ यहाँ लाकर डाल दिए। अगर ये छोटी सी जमीयत अगर आज खत्म हो गई तो फिर दुनिया में तेरा नाम लेवा कोई नहीं। तो मुफस्सिरीन ने जो सीरत निगारों ने जो बात लिखी है जीवन में कि बदर के मैदान में उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ने इसलिए बचाया कि वो उस दीन का काम उसका नाम जो इस दुनिया में फैला। अल्लाह की मदद आई, अल्लाह की नुसरत आई। वो जो सहाबा का ईमान था आप जानते हैं, छोटे छोटे बच्चों ने जो तारीफ रकम की है, बड़े बड़े जो है सरदारों को बच्चों ने कत्ल किया, उसके बारे में अल्लाह ने क्या खूब कहा कि फिदा बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं फतार अंधार फतार। यानी अल्लाह की नुसरत तो बेचैन है लेकिन वो जो किरदार सहाबा का था फिदा बदर थी वो जो है हमें जो है पैदा होने की जरूरत है। फिर उसके बाद मक्के की फतह का मरहला पेश आया जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस जगह से इंतहाई जो है बेबसी के आलम में आपको हिजरत पर मजबूर किया था, अल्लाह ताला ने उन्हें फातहाना अंदाज में
बगैर कोई बहुत बड़ी जो है जंगी कार्रवाई के अल्लाह ताला ने जो है काबतुल्लाह की दुनिया में जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हवाले की गई। और देखिए इस्लाम का किरदार देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फातिहा अंदाज में दाखिल हो रहे हैं और जो है सजदा रेज हैं और वो जो है इजाजा रसूलुल्लाह की जो सूरत है पूरे सूरह नसर जो है उस पर बेस है कि किस तरीके से अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए जो है जा रहे हैं। ये इस्लाम का तसव्वुर फतह है। और आप आज दुनिया में देखिए कि अगर कोई जो है जालिम हुकूमत जब कई इलाकों पर फतह करती है तो पूरी जो है बोलियां लोग जो है खुदकशी औरतें खुदकशी करने पर मजबूर हो जाती है। और वहां का ये आलम है कि लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा के दरमियान अपने आप को महसूस कर रहे हैं, अपने लिए जो है रहमत महसूस कर रहे हैं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्वर्ग। फिर उसके बाद के जो मराइल हम जानते हैं कि पूरे मदीने में एक जो है रियासत की जो है तश्कील हुई। वो सहाबा इकराम जो हिजरत करके आए थे वो इंतहाई जो है बेबसी के आलम में थे, अपने सब कुछ छोड़ के आए थे, लेकिन इस्लाम की बरकत देखिए कि कुछ ही सालों में सहाबा ज़कात लेकर निकलते थे तो कोई लेने वाले नहीं। अल्लाह ताला ने दीन से इनको दुनिया में इतनी बड़ी नेमतों से नवाजा था। अगर ये दीन अगर हम इसके अलमबरदार बन जाए, अपनी जिंदगी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे के मुताबिक डाल लें तो ये दुनिया हमारी खदमों में आ जाएगी। जिस तरीके से मदीने की रियासत जो है इसका जो है क़यामत तक के लिए एक नमूना है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज के मौके पर हुज्जत अल-विदा का तारीखी खुतबा जो इंसानियत का ह्यूमन राइट्स का एक मंशूर है जिसमें आपने पूरी इंसानियत को बुनियादी इस्लामी तालीमात दी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हुकूक बताए, वहां पर आपने औरतों के साथ मदालिम करने पर रोका, उसके बाद आपने सूद की हुरमत और उसकी जो है वहां पर ऐलान किया, उसके बाद आपने 1,24,000 जो तारीख निगारों ने लिखा है उसने सहाबा के दरमियान आपने इस बात का ऐलान किया कि क्या मैंने जो पैगाम अल्लाह ने मुझे जो जिम्मेदारी दी थी क्या मैंने उसको अदा कर दिया। आप पूरे सहाबा ने बेक वक्त जवाब दिया कि हम इसके शाहिद हैं। फिर आपने जमीन और आसमान को अपने जो है गवाह बनाया और कहा कि जो जिम्मेदारी थी मैंने इसको, वो ये क्यों था, ये जिम्मेदारी का एहसास क्यों था, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया क्या उम्मत में से एक रसूल को उठाया जाएगा और जो है उनसे शहादत दिलवाई जाए। वो शहादत देने की जिम्मेदारी थी जिसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना परेशान हुए थे। उसके बाद आपने बड़ी जिम्मेदारी की बात की जो मेरे और आपके लिए सोचने का काम, आपने फरमाया इस पैगाम को जो लोग यहाँ नहीं है उन तक जो लोग यहाँ आए वो पहुंचाए। सहाबा इकराम रोना शुरू किया क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पता नहीं अब आने वाले दिन में तक हमारे दरमियान रहेंगे या नहीं रहेंगे। इस जिम्मेदारी का बोझ, इस नबूवत के मिशन का बोझ, के दावत अल्लाह का बोझ, ये पूरी क़यामत तक उम्मत मुस्लिमों पर है। वो इंफरादी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदगी का मिशन था अब यह पूरी उम्मत की जिंदगी का मिशन है। इस मिशन की वजह से अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अल्फाज से नवाजा है। कुरान में इस उम्मत को उम्मत वस्त कहा है, वकदारे का ध्यान रखा है कि उम्मत वसत ली तकुन शुहदा लिन्नास, कि तुम उम्मत वस्त हो ताकि इंसानियत के दरमियान तुम शहादत हो। कुंतुम खैरा उम्मतिन उख्रिजत लिन्नास, अल्लाह ताला ने खैर उम्मत कहा है और कहा कि तुम्हें इंसानों के दरमियान उख्रिजत लिन्नास, कि तुम्हें उठाया गया बुनियादी काम है ये पूरी उम्मत को अदा करना है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इंसानियत को दोज़ख से बचाने का जो काम किया वो काम पूरी क़यामत तक आने वाली जिंदगी के हमारे लिए एक एक जिंदगी के आखिरी लम्हात को और पूरी इंसानियत के आखिरी जो है दिन तक क़यामत तक उनको अल्लाह से जोड़ने का जो काम करना है दावत अल्लाह का काम, वो उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द की बुनियादी जरूरत है। और ये काम हमारी पहचान है। अल्लाह ताला ने जितने वादे किए हैं उलाइका हुम वारिसून कहा है कि तुम्हें जन्नत का वारिस बनाया जाएगा, उन तमाम वादों की जो बुनियाद है वो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमने किस हद तक जो है अमल किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला
जो अभी हम आए नायर अब्दुल अवल से होकर आए हैं, तो इसमें भी हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सुनने का एहतमाम किया। हम कोशिश करें कि अपनी वाबस्तगी हमारे ईमान की, एक तो हमारी जो है खलवी जो वाबस्तगी होनी चाहिए वो ये कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें। वो तमाम चीजें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का उस्वा है वो हमारी पूरी जिंदगी में दाखिल हो, और ये हमारी जिंदगी पूरी दुनिया इंसानियत के लिए इसकी अमली शहादत दे। अगर हम इस्लाम की शहादत अपने कौल और अमल से न दे तो यकीन मानिए कि ये इंसानियत कुरान नहीं पढ़ती, ये मुझे और आपको इस्लाम समझती है, और हम इस्लाम को फैलाने की जगह इस्लाम के राह में रोड़ा बन जाएंगे। और यकीन मानिए अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें पकड़ना चाह तो हम बच नहीं सकते। तो हम जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे को अपनी जिंदगी का उसवा बनाए तो यकीन मानिए ये खुद एक चलती फिरती दावत होगी, और खुद उम्मत मुस्लिमा के साथ साथ पूरी आलम इंसानियत लपक लपक कर जो है वो इस दीन रहमत में आएगी, और इंशाल्लाह इस इंसानियत के मसाइल भी हल हो जाएंगे। इस जो हमारी कड़ी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे ईमान का जो ताल्लुक है उसको कमजोर करने के लिए पूरी दुनिया में देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को मशकूक करने की कोशिश होती है। उसके लिए सबसे बड़ा ये है कि वो जितनी नफरत करते हैं हम उससे हद दर्जा ज्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, और उस मोहब्बत का अमली सबूत यह है कि हमारी जिंदगियों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हमारी अपनी इंफरादी जिंदगी में भी आ जाए और हमारी इज्तिमाई जिंदगी में आ जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़े और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए।